वापस से आपका स्वागत है साइंस के एक रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया में। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए ला चुका हूँ एक कॉन्सेप्ट मैप न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर से रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैप आपका पूरा चैप्टर रिकैप करा देगा। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एनिमल न्यूट्रिशन। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो एग्जिबिट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जिसका मतलब है कि हम खुद हमारा खाना नहीं बना सकते। हम या प्लांट्स से लेते हैं या तो डायरेक्टली कि उनको हमने खा लिया, जैसे कि हर्बीवोर्स हो गए, या फिर इनडायरेक्टली कि हमने जो एनिमल्स थे जिन्होंने प्लांट्स को खाया हमने उनको खा लिया, या फिर हम ओमनीवोर्स हो सकते हैं जो बहुत प्लांट जो फूड है वो प्लांट सोर्स से भी फूड ले रहे हैं और एनिमल सोर्स से भी फूड ले रहे हैं। तो ये होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम बांट लेते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स में। अब जो ये हमने खाना खाया इसके मोड्स बहुत अलग होते हैं। जैसे अब बीज है, बीज सक करेंगी नेक्टर को बटरफ्लाइज, उसके बाद जो ईगल्स होते हैं वो स्वेलो कर जाते हैं, एंट्स होती है वो स्क्रैपिंग करती हैं, और जो हाइड्रा होता है वो अपने टेंटिकल से कैप्चर करता है फूड, रैबिट्स होते हैं वो ग्नोइंग करते हैं, स्क्विरल्स भी ग्नोइंग करती हैं, उसके बाद जो मस्किटोज होते हैं वो या तो पियर्स करते हैं या फिर सक करते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड होते हैं फीडिंग के एनिमल्स में। और अब आती है हमारी बात, तो हम कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम ह्यूमंस एग्जिबिट विच टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो आपको लिखना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें हम एक सॉलिड फूड है, कोई भी सॉलिड फूड, जैसे अभी आप कुछ भी खाना खा रहे हो वो आप फूड अपने माउथ के थ्रू अंदर लोगे, उसको फिर जो आपकी बॉडी में वो पूरा पास होएगा, तो छोटे 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 पार्ट्स में वो कन्वर्ट होता जाएगा ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। अगर देखो कोई फूड है उसको हम वैसे यूज़ नहीं कर सकते एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उनको हमको एक सिंपलर फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और फिर उसमें से हम एनर्जी हम निकाल पाएंगे। तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये 5 प्रोसेसेस होते हैं इसमें हम, जैसे पहला हो गया हमारा इंजेशन, जो हम फूड को अंदर ले रहे हैं, उसके बाद हो गया डाइजेशन, जो फूड पूरा जो प्रोसेस होएगा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होएगा, ये सब कुछ हो गया डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जितना भी डाइजेस्टेड फूड हो गया है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज के थ्रू, जो एक बहुत छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होते हैं जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं, और वो फिर जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक जो कन्वर्टेड फूड है या फिर जो सिंपलर फूड है उसको सारी जगह पहुँचाते हैं। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या हो गया, ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड था जो छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था उसको अब हमारे बॉडी प्रोसेसेस के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और इजेशन, जितने भी ये प्रोसेस हुआ और जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको बाहर निकालना बॉडी से, इसको हम इजेशन कहते हैं। तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और जैसे जो वेरियस एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, वो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही एग्जिबिट करते हैं। अब जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, एक तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, या फिर जो हमारा द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसमें वेरियस ऑर्गन्स हैं जो हम फूड को छोटे फॉर्म में करने में हमको हेल्प करते हैं, और कुछ ग्लैंड्स हैं जो हम एक लिक्विड या प्रोड्यूस करते हैं, या फिर डाइजेस्टिव हम कह सकते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो फूड है वो छोटे फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। वो सारा जब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो ग्लैंड्स है ये मिलकर एक हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इस चैप्टर में क्लास 7th को दो तरह से पढ़ाया गया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक तो हमारा, और जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे कि काउस हो गए, उनका जो मतलब ग्रास वगैरह, ग्रास मटीरियल खाते हैं, जो सेलुलोज जो बेस होता है उनका, तो रूमिनेंट्स, एग्जांपल कैटल हो गया, डियर हो गया, शीप हो गया, ये सारे रूमिनेंट्स होते हैं। क्विकली आपने देखा होगा, आप कभी भी नोटिस करोगे कि अगर आप एक काओ देख रहे हो तो ज़्यादातर क्या होता है, वो काओ ऐसे बैठी है, आराम से बैठी है और अपना मुंह चला रही है, मतलब च्यू कर रही है कुछ चीज़। तो आपके दिमाग में भी अटपटे क्वेश्चन होते हैं कि अब क्या कर रही है, मतलब कुछ खा भी नहीं रही, तो ये क्या होता है। रूमिनेंट्स में जब ये जैसे इनको घास मिली तो ये जल्दी से इसको स्वेलो कर देंगे, अभी उसने पार्शली च्यू करा, उसको पूरा
ट्यून ही करा, जैसे कि ग्रास हो गया प्लांट मटेरियल, और एक पार्ट होते हैं जो होते हैं र्यूमन, उनकी स्टमक में एक पार्ट होते हैं र्यूमन, उसमें उसको स्टोर कर लेते हैं। और इधर क्या होता है, हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड, तो र्यूमन में क्या होता है जो फूड होता है जो स्वेलो कर दिया वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है, और इस पूरे फूड को हम कहते हैं कड। अब ये जो जब काउ ने पूरा फीडिंग कर ली, अब वो एक जगह पर बैठ जाती है, और ये जो कड थी ये वापस से माउथ में आती है छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब हम माउथ में आती है काउ के, और फिर काउ इसको पूरा सा च्यू पूरे कंप्लीट च्यू कर लेती है। और ये जो पूरा प्रोसेस था कड को मुंह में वापस लाना, इस पूरे प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये होता है डाइजेस्टिव इन र्यूमिनेंट्स। अब हम चलते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने जैसे पहले आपको बताया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम एक एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं, तो एक तरह से एक ट्रैक हो गया, जो एक रेलवे ट्रैक हो गया, जो जहाँ से पूरा फूड है वो पास करता है सॉल्यूबल और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो ये कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो पहले होता है हमारा बकल कैविटी, उसके बाद होता है ईसोफेगस, स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बकल कैविटी। फूड बकल कैविटी में क्या होता है, जो फूड है इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ, जो माउथ के थ्रू बॉडी में जो फूड है उसको लिया जाता है। तो ये बकल कैविटी हमारी माउथ की पूरी ऐसे कैविटी हो गई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, जो बहुत डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, इनसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स, ये सारे हेल्प करते हैं उसको ब्रेक करने में छोटे छोटे पीसेज में, और इसको हम कहते हैं मैकेनिकली डाइजेशन। और उसके बाद हमारे जो बकल कैविटी है उसमें दो तरह से डाइजेशन होती है, एक होती है मैकेनिकली और दूसरी होती है केमिकली। तो मैकेनिकली में क्या होता है, जो फूड हमने इंजेस्ट करा वो जो टीथ हैं जो हमारे चार टाइप्स के टीथ होते हैं उनकी हेल्प से कि जब छोटे छोटे पीसेज में स्मॉल पीसेज में मैकेनिकली कन्वर्ट हो रहा है, जैसे आप आ, आ, ऐसे कर रहे हो तो वो छोटे छोटे पीसेज में हो गया, तो ये हो गया हमारा मैकेनिकली डाइजेशन। अब जो बकल कैविटी होती है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सलाइवा सिक्रीट करेंगे जो फूड में आपके स्टार्च थी, जो आपके फूड में स्टार्च प्रेजेंट थी, वो स्टार्च जो सलाइवा सिक्रीट हुआ वो उस स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो और ये हो गया हमारी जब सलाइवा वाला प्रोसेस हो गया हमारा केमिकल डाइजेशन। टंग्स, जो हमारी टंग होती है, आप सोचो कि टंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, एक तो हमको स्पीकिंग में काम आती है। टंग का ये होता है कि जो सलाइवा हमने सिक्रीट करा उसको अच्छे से, जैसे एक चम्मच होती है वैसे टंग उसको अच्छे से मिक्स करने में, जो सलाइवा है पूरा मिक्स करने में हम अच्छे से काम आती है, और स्वेलो करने में भी, और टेस्टी फूड के टेस्ट के लिए भी हमको काम आती है। उसके बाद आते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम कह सकते हैं फूड पाइप। तो ये क्या होता है, जो फूड हमारे बकल कैविटी में हो गया पूरा कन्वर्ट हो गया, ये फ्रॉम फेरिंग्स, हम इसको कह सकते हैं कि फेरिंग्स है, उसको स्टमक तक पहुँचाता है। उसके बाद स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ स्टमक, जो स्टमक में होते हैं उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है स्टमक में, वो जो प्रोटीन्स की डाइजेशन उधर स्टार्ट हो जाती है। तो क्या हुआ, जो हमारी बकल कैविटी थी उधर कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हम कह सकते हैं स्टार्च की डाइजेशन हुई, और जब अब ये हमारी स्टमक है इधर हमारी स्टार्च की डाइजेशन नहीं हुई, जो शुगर कन्वर्ट हो गई थी उसकी डाइजेशन नहीं हुई, मेनली क्या हुआ जो प्रोटीन्स थे उनकी डाइजेशन हुई, जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस थे उसमें प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इधर तीनों तरह के, जैसे हमारे स्टार्च, प्रोटीन और फैट, तीनों की इधर डाइजेशन होती है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर, जो लिवर है वहाँ से सिक्रीशन इनको मिलते हैं, जो लिवर पेनक्रियाज हैं ये हमारे दो डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गए, ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, तो ये डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है, और जो पूरा फूड है ये कंप्लीट डाइजेशन इधर हो जाती है। तो लीवर क्या होता है, ये बाइल जूस सिक्रीट करती है, जो हमारे फैट्स हैं उनको, फैट्स को एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो बाइल जूस सिक्रीट हुआ वो अब जो फैट्स हैं उनकी उनको कैसे कन्वर्ट कर देती है, तो वो छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देती है, जिनको फिर वो आगे जाके फर्दर वो हमारे फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो कंप्लीट डाइजेशन थी फूड की वो इधर टेक प्लेस हो गया, और जो पेनक्रियाज से आए थे
वो भी इधर हमारे तीनों हमारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर देती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी खुद जूसेस सिक्रीट करते हैं, उनसे भी फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल द फूड कंपोनेंट्स टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन भी आता है कि इन विच ऑर्गन कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस, आपको लार्ज इंटेस्टाइन ही करना, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, वेस्ट जा रहा है वहां से उधर। ये नहीं हो रहा कि डाइजेशन उधर कुछ डाइजेशन का उधर से कोई लेना देना नहीं है, उधर से वेस्ट ही बाहर निकल रहा है। तो कंप्लीट डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर, तो ये भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट हम कह सकते हैं। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब वाटर। जितने अब जो जितना भी प्रोसेस फूड हो गया और जो बाकी बचा हुआ था जो प्रोसेस हो गया वो तो सारा एब्जॉर्ब कर लिया विलीज ने। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट बचा या फिर जो लेफ्ट ओवर फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में हमने भेज दिया, और फिर इधर अगर फूड में जो वाटर्स और सॉल्ट्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर जो आखिरी में जो बच गया जिस वाटर और मिनरल भी वाटर और सॉल्ट्स भी हमने वहाँ से निकाल लिए, आखिरी में जो बचा उसको हम एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल था। हम थोड़े से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? मेक एंड स्टोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये क्या होते हैं? ये डाइजेस्टिव जूसेस या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को या तो बनाते हैं या फिर स्टोर करते हैं। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गए वो हो गया हमारा सबसे पहले बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद लिवर हो गया, तो लिवर बाइल जूस को सिक्रीट करेगा और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद आ गया लिवर हो गया, उसके बाद पेनक्रियास, जो पेनक्रियास हो गए वो भी हमारे एक डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया जो तीनों न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है, और जो बक्कल कैविटी में जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड था वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा था, और कुछ स्टमक के ग्लैंड्स होगी जो प्रोटीन को कर रहे थे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सारे न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जिसमें हमने पूरा एनिमल न्यूट्रिशन को अच्छे से हमने रिकैप कर लिया है, पूरे चैप्टर को हमने रिकैप कर लिया। लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो आप बुक को रेफर करें, ये कॉन्सेप्ट मैप था जो आपका पूरा एक क्रैश कोर्स हो गया। तो होप करता हूँ गाइस आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन तो दबा देना ताकि मेरे चैनल की सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।